नमस्कार, शाम के 5 बजने को है दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भगवान कृष्ण के नाम पर दांव चलती हुई नजर आ रही है। पार्टी के सोशल मीडिया पेज से जारी एक कैंपेन सॉन्ग में कहा गया, मुरलीधारी कृष्ण बदलकर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी के राम मंदिर के मुद्दे के जवाब में अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के नाम पर 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? साथ ही सवाल यह भी है कि हाल ही में जमीन सौदे को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का इस्तीफा मांगने वाले अखिलेश क्या बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर ही घेरने का मन बना चुके हैं? आज का दंगल इसी पर शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव 2022 में है, लिहाजा राम मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द माहौल बनना शुरू ही हो रहा था कि समाजवादी पार्टी के कैंपेन ने हिंदुत्व के पिच पर नया दांव रख दिया। मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं, मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट हुए कैंपेन सॉन्ग में साफ साफ बोला जा रहा है, मुरलीधारी कृष्ण बदलकर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। वैसे तो कैंपेन सॉन्ग पिछली अखिलेश सरकार के 5 साल के कामकाज को भी गिना रहा है, लेकिन इन लाइनों का सीधा सा मतलब ये निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं राम पर राजनीति के बीच कृष्ण पर राजनीति को आजमाने की कोशिश हो रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के झूठे कामों के दावों की पोल जनता ने खोला है। अब प्रभु श्री कृष्ण के रूप को धरकर आप उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने आ रहे हैं। जनता सब समझती है, 22 में माकूल जवाब मिलेगा। चुनाव आते ही सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुड़ जाती हैं, कोई गाने बनाती है, कोई जनता के बीच में जाती है। निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को अपना प्रचार करने का हक है और ये उनका विशेषाधिकार है कि वो प्रचार किस तरीके से करते हैं। बस इस प्रचार में इतना जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रचार संविधान की भावनाओं के तहत हो और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। कृष्ण को अपनी राजनीति से जोड़ने की अखिलेश यादव की कोशिश पहली बार नहीं है। गौरतलब है कि 2017 में अखिलेश ने अपने पैतृक गांव सैफई में भगवान कृष्ण की 50 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई थी। इस बीच अखिलेश ने राम मंदिर ट्रस्ट के जमीन सौदे से जुड़े विवाद पर भी ट्रस्ट के सदस्यों को कटघरे में खड़ा किया था, जबकि बीजेपी समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर यह आरोप लगा रही है कि अब वो मंदिर के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई, अयोध्या में राम भक्तों के खून से होली क्यों खेली, और उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। राम और कृष्ण का ये दांव कारगर होगा या नहीं, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन यूपी का चुनाव हिंदू वोटरों के लिए ध्रुवीकरण के रास्ते पर जा सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।